Bismillahirrahmanirrahim. Aaj ka topic hai light crude touch aur anterior spinothalamic tract. Lekin kal wale jo lateral spinothalamic tract tha usme ek point reh gaya tha, wo main explain karta hu. Wo point is tarah tha na ki wo kehte hai ki jo slow pain ke fibers jab first order neuron le aati hai substantia gelatinosa mein to uske baad jo second order neuron wo le jate hai to bahut sari neuron is tarah is lateral white column mein us information ko le aati hai. To isi wajah se bahut sari neuron ke darmiyan kya ho jate hai, synapses ho jate hai, wahan par withdrawal and pick up of न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो यहाँ पर कंडक्शन भी स्लो हो जाते हैं और पेन अनलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जबकि फास्ट ट्रेन में ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एक सेकंड आर्डर न्यूरॉन के जरिए जाते हैं. तो इस वजह से जो फास्ट ट्रेन होते हैं वो क्या है, लोकलाइज्ड होते हैं और उसका कंडक्शन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. ये इस वाले पैराग्राफ में ऐसी है. अब अपने टॉपिक पर आते हैं. तो सबसे पहले जो है ना क्रूड टच है क्या चीज़, तो हमारे पास जो लाइट टच होता है ऐसी है, लाइटली हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो वो दो टाइप से होते हैं. एक को फाइन टच कहते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरह मैंने ये जगह टच किया ऐसी है, तो हमारी ब्रेन कॉर्टेक्स को पता चलता है कि इसने हैंड में इस वाली जगह को टच किया. जबकि क्रूड टच में हम अगर सॉफ्ट कॉटन ले लें और उसके साथ इस तरह धीरे धीरे इसको टच करें तो फिर क्या होगा, हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स को पता चलेगा कि मेरा बॉडी टच हो गया लेकिन कहाँ टच हो गया ये पता नहीं चलता, तो इसको क्रूड टच कहते हैं. इसका पाथवे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है और फाइन टच का पाथवे पोस्टीरियर वाइट कॉलम है. तो अब ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पढ़ते हैं. तो इसमें पहले बात ये कहते हैं कि जब हमारे जो एग्जाम होते हैं ना फ्रीनर एंडिंग, वो क्रूड टच का इन्फॉर्मेशन ले आते हैं कहाँ पर, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में सिल बॉडी तक, और वहाँ से फिर सेंट्रल प्रोसेस के जरिए जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सर्विस कहाँ पर, पोस्टीरियर ग्रेहन में सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा तक. सही है, फिर यहाँ तक आ गया इस तरह, तो वही सेम जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक था उस तरह ये क्या है, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस दे देती है. तो ये एक अलग ट्रैक बनाते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिसार के थे. सही है, फिर क्या कहते हैं कि जब ये आ जाए सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में तो वहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाते हैं बाई साइनाप्सिंग, मतलब साइनाप्स कर देते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का एग्जाम फिर क्या करते हैं, वो एंटीरियर ग्रे कमिशर्स होते हैं और व्हाइट कॉलम के कमिशर्स होते हैं, उसके जरिए जाकर एंटीरियर व्हाइट कॉलम में चला जाते हैं और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं. सही है, फिर ये कहते हैं कि ना कि जब ये इस तरह अपोजिट साइड के एंटीरियर वाइट कॉलम में आ गया ऊपर चला जाता है. सही है, तो इसकी एग्जान जो अपर रीजन से अब ऐड होंगे, मतलब ये जो है ना लेट से ये लोअर लिम की है तो ये इस तरह है, फिर इस तरह यहाँ पर लेट से ये थोरेसिक रीजन से आते हैं तो फिर ये किस तरह होंगे, ये जो ऑलरेडी नीचे से आया हुआ ट्रैक है ना एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उसकी मीडियल साइड को ऐड होंगे, फिर यहाँ पर लेट से ये सर्वाइकल रीजन है वो इसकी और मीडियल साइड पर क्या होंगे, ऐड होंगे. तो जो सेक्रल रीजन के फाइबर्स हुए वो मोस्ट लेटरली होंगे और जो सर्वाइकल रीजन के होंगे वो मोस्ट मीडियल होंगे वही फाइबर. सही है, फिर क्या कहते हैं कि ये फाइबर्स जब ऊपर जाते हैं मेडुला ओब्लॉन्गेटा में, तो मेडुला ओब्लॉन्गेटा में बहुत सारी न्यूक्लिय है लेकिन दो न्यूक्लिय, एक ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है एक क्या है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, तो ये उन दोनों के दरमियान में इस तरह पास होकर जाते हैं और यहाँ पर इसके साथ जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था और स्पाइनोट्रैक्टल ट्रैक्ट था वो भी क्या अकम्पेंट कर देते हैं इसको, और एक शीट के अंदर ये सब कंबाइन ली जाते हैं. फिर इसके बारे में जो पिछले लेक्चर था उसमें भी बोला था, तो ये एक क्या बनाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाते हैं, इस तरह की एक शीट है उसके अंदर ये सारे के सारे फाइबर्स ऊपर जाते हैं तो इसको स्पाइनल लेमिनिस्कस बोलते हैं. और ये स्पाइनल लेमिनिस्कस जब किस जगह पर होते हैं, पोन्स में होता है तो ये बहुत पोस्टीरियरली होते हैं, मतलब टिक्टम के एरिया में होते हैं, ऐसे ही बहुत पोस्टीरियरली होते हैं, लेकिन जब ये मिड ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो ये थोड़ा एंटीरियरली भी जाते हैं इसके साथ, तो ये टिगमेंटम के अंदर पास हो जाते हैं और फिर ये कहा जाता है जाकर जो हमारा थैलेमस होते हैं उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन एक न्यूक्लियस जिसको वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस कहते हैं वहां जाकर उस पर टर्मिनेट हो जाती है और वहां साइनाप्सिस करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडी को. लेट्स से ये क्या है, ये बहुत सारे जो है ना एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आते हैं, ये वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में क्या कहते हैं साइनाप्स करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी से, लेकिन यहाँ से फिर ये कहा जाता है इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम में जाती है. सही है, तो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम में ये कंपैक्ट हो जाने के बाद क्या करते हैं वहाँ से फैन आउट स्प्रेड आउट करते का पोस्ट सेंट्रल गायरस को, और वहाँ पर क्या हो जाता है ये एक करोना रेडिएटा इस शेप का नाम है, फिर इसको क्या बोलते हैं करोना रेडिएटा. सही है, तो ये इसका सारा का सारा क्या था पाथवे था. फिर जब ये वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर जो एप्रिसिएशन ऑफ क्रूड टच होते हैं वो हो जाते हैं और प्रेशर का भी, इसका मतलब ये कि यहाँ से इंसान को फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मेरे बॉडी टच हो रही है. सही है, फिर क्या हो जाता है ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाते हैं. जब ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक बात की है कि द कंट्रोलेटरल हाफ ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एंड वर्टेड विद हैंड एंड माउथ. सही है, सॉरी लाइट गई. तो ये कहते हैं कि कंट्रोलेटरल साइड की में कहते हैं कि इनवर्ट ले, मतलब हैंड एंड माउथ सिचुएशन इन, फिर ये जुमला लिखे गया है. तो ये जुमला की किस चीज़ के लिए लिखा गया है, ये ह्यूमन कुलिस के लिए. तो इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ अगली लेक्चर में से. फिर क्या कहते हैं कि जो क्रूड टच का पोजिशन है वो मतलब कंप्लीटली लोकलाइज नहीं होता है, थोड़ा अनलोकलाइज होता है, इसी है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत कम होते हैं. तो ये था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. अल्लाह हाफिज़.